मन्ना नहीं मानत रही से पथराई पथराई की गए ते मन्ना सताए तब फिर आग पूजा करी अपना दी से मोला उ दिन प्रगट हो। अच्छा तो कितना दिन हो गेला अभी एको दिन निकले नहीं निकले सांप एकर निकल गए कई पर कुंती कारो दिन तो फ्रेंड हम पहुंच चुके हैं लवहरा खुर्द जहां पे शिवलिंग जो प्रकट हुआ है वो आपको अभी दर्शन कराने वाले हैं। आपको जाना कैसा है यहां पे नहर नाली है इसी रोड को कच्ची रोड को पकड़ के चलना है पक्की रोड को छोड़ देना है और कच्ची रोड को पकड़ के सीधा शिवलिंग के पास आपको लेके जाएगा। हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको लेकर आया हूँ महासमुंद जिले में लवहरा खुर्द गांव में शिवलिंग जो प्रकट हुआ है एक से दो दिन हुआ है और इसका आकार बढ़ता जा रहा है और श्रद्धालु धीरे धीरे करके यहां पे आ रहे हैं पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं पीछे पंडाल लगा हुआ है और माइक वगैरह भी चालू है तो चलते हैं आपको दर्शन भी कराते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अभी दो तीन दिन ऐसे तकरीबन हुआ है इस कारण से यहाँ पे भीड़ आपको देखने को कम मिल रहा है क्योंकि धीरे धीरे करके किशनपुर जैसे यहाँ पे भी भीड़ लगना चालू हो जाएगा। अभी शिवलिंग हर जगह प्रकट हो रहा है छत्तीसगढ़ में और चलते हैं और यहाँ पे दर्शन कराते हैं शिवलिंग का। अभी भीड़ नहीं है और जो प्रकट हुआ है वो आपको दर्शन हो जाएगा अभी और गाँव वाले से पहले बात कर लेते हैं उसके बाद आपको शिव जी का दर्शन कराते हैं। जे मन्ना नहीं मानत रही से पथराई पथराई की गए ते मन्ना सताए तब फिर आग पूजा करी तभी केठो शिव मतलब शिवलिंग निकले कर केठो आवे तो एक तो नंदी हरे बोलते भी चली जाते था। हां हां और एक शंकर भगवान ने भी उन्होंने जी की नंदी है दिखत है पता नहीं चले अभी छोटे है तो लेकिन इसमें दिखत हो है हां वो छोटे तो कोला सपना देरी से कोला सपना देरी से कर देखा नक बड़ी बहन अच्छा बला भर के होला ले चल ठीक है। तो फ्रेंड आपको जो सपना दिया था उसको बुलाने के लिए गया है उसके बाद आपको यहाँ का थोड़ा सा उससे भी बातचीत करेंगे और आप थोड़ा सा शिवलिंग का भी आपको दर्शन कराते हैं। ले दीदी तो बताए शिवलिंग जो निकले वाला कितना दिन हो गया है यानी कि सपना वगैरह दे रही से आप मतलब कुछ ऐला बता सकते हो आप सपना दी से मोला उ दिन प्रगट हुआ। अच्छा तो कितना दिन हो गया अभी आठ दिन हो गए और जो पहली जब देखे वो अपन तक छोटे ही से तो अभी थोड़ा सा बड़े हो गए हाँ। और केठो शिवलिंग निकले का दो ठो बता रही से अभी दो ठो शिवलिंग ना दो ठो निकले हां और ये गांव का मतलब नाम का है रे लवहरा खुर्द लवहरा खुर्द महासमुंद जिला है। तो महासमुंद से कितना दूर पड़ता है ये गांव है दो किलोमीटर दो किलोमीटर महासमुंद से लगे हुए हैं। और कुछ बता तो बताओ भाई यहाँ के बारे में कुछ चमत्कार और कुछ हो है ठंडी भी है वे देह भी होकर हाँ 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 अच्छा ये करना एक दिन निकले नहीं निकले सांप एक ऐसे का चलो ठीक है। धरती के बराबर रही बाद में ना यहाँ जैसे जैसे पूजा हुआ थे वैसे वैसे बड़े हो जाते बाढ़ जाते। तो फ्रेंड इस गांव के ग्रामीणों से बात करने पर पता चला है कि शिवलिंग का आकार हर दिन बढ़ता जा रहा है और इसी प्रकार से यहाँ के आसपास के लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं और देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे अभी भी शिव भक्त आए हुए हैं और धीरे धीरे करके यहाँ पर भी शिव भक्तों का भीड़ लगना चालू हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर घर बैठे आप दर्शन कर सकते हैं शिवलिंग का और ऐसे बता रहे हैं कि ग्रामीण यहाँ पे एक शिवलिंग है और एक नंदी जी है सामने पर तो आप घर बैठे दर्शन कर सकते हैं। तो आप इस जगह पर आना चाहते हैं तो महासमुंद जिले से तकरीबन दो किलोमीटर की दूरी पर लवहरा खुर्द जहाँ पे यह शिवलिंग जो प्रकट हुआ है आप दर्शन कर पाएंगे। तो आप यहाँ का लोकेशन भी आपको दे देंगे आप आसानी से लोकेशन के माध्यम से इस जगह पर आ सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं शिव जी का। और धीरे धीरे करके यहाँ पर भी किशनपुर
कुरकुरा में जैसे शिवलिंग जो निकला हुआ है, अब वहाँ पे दर्शन करने के लिए लाइन लगाना पड़ता है, उसी प्रकार से भी यहाँ पर भी लाइन लगाना पड़ेगा कुछ समय के बाद। यहाँ पर शिव भक्तों के मेला जब लगना चालू हो जाएगा तो दर्शन के लिए बहुत ही मुश्किल से शिवलिंग का आप दर्शन कर पाओगे। क्योंकि अभी 2 से 3 दिन हुआ है, इस कारण से अभी भीड़ कम लगा हुआ है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर बताएं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे।